हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि होली रंग से क्यों खेली जाती है, होली का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, श्री कृष्ण को ये त्योहार सबसे प्रिय क्यों है। हिंदू के प्रमुख दो त्योहार होते हैं, पहला दिवाली, दूसरा होली। दिवाली पर भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में लोग बम पटाखे जलाकर भगवान का स्वागत करते हैं। अमावस्या की रात थी इसलिए दीवे जलाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। अब अगर होली की बात की जाए तो होली पर होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसका उल्लेख हमें प्रहलाद जी की कथा से मिलता है। पर विचार योग्य बात है कि होली के अगले दिन दुल्हंडी पर रंग से होली क्यों बनाते हैं और क्यों ये पर्व श्री कृष्ण का प्रिय पर्व है, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, लेकिन श्री राधा बहुत सुंदर और गोरी थी। इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही अपनी माता यशोदा से शिकायत करते और इसका कारण जानना चाहते थे कि माँ मैं इतना काला क्यों हूँ, राधा इतनी गोरी क्यों है। माता यशोदा ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वे राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग को राधा के मुख पे लगा दे। भगवान श्री कृष्ण को ये बात जच गई। वैसे भी वे काफी नटखट स्वभाव के थे, इसलिए वे राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने के लिए चल दिए। जब वे राधा और अन्य गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे तो नटखट श्री कृष्ण की ये प्रेममयी शरारत सभी को बहुत पसंद आई और ये घटना एक परंपरा बनकर होली के रूप में स्थापित हो गई। माना जाता है इस दिन से रंग खेलने का प्रचलन शुरू हो गया और इसलिए होली पर रंग खेलने की परंपरा आज भी जारी है। होली का पर्व सभी को प्रिय है। होली पर रंग लगाने से सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तब ना कोई काला होता है ना कोई गोरा, इसलिए सब कहते हैं बुरा ना मानो होली है। श्री कृष्ण ने राधा प्यारी को सबसे पहले जामुन के रस से रंग लगाकर अपने रंग में रंगा था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंगों से होली बनाते थे, इसलिए होली का यह तरीका लोकप्रिय हुआ। वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली बनाते पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते। ऐसा ही आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी होता है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली बनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन और खाटू धाम में फागुन महोत्सव की अलग ही धूम होती है। होली त्योहार राक्षसी ढूंढकी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियां और ग्वालों ने रास लीला और रंग खेला था। श्री धाम वृंदावन में होली के अनूठे रूप देखने मिलते हैं। यहाँ फूलों की होली, लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी होली आदि बहुत प्रसिद्ध है। गोकुल की छड़ी होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और फिर महिलाएं उन्हें लाठियों व कपड़े के बने गए कोड़ों से मारती हैं। ब्रज की लठमार होली में स्त्रियां लठ से पुरुषों पर वार करती हैं और पुरुष ठाल से खुद को बचाते हैं। इस प्रकार मथुरा और वृंदावन में 25 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।